नमस्कार। एक बहुत बड़ा राशि का परिवर्तन जो पूरे विश्व के राशियों को और सभी ग्रहों को अपनी ऊर्जा भी देता है तथा उसके बदलाव से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसका परिवर्तन हो और बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वृषभ राशि पर बृहस्पति का एक जो परिवर्तन हो रहा है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। भारत में जितने भी बड़े बड़े प्रतिभावान लोग हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे मालूम है, हमारा अध्ययन है इस बात पर, सिर्फ एक नाम काफी है क्योंकि वो सब जानते हैं उस नाम को। जब वृषभ राशि में बृहस्पति आता है उस समय और शश योग बना करके इसको चतुर्थ और दशम का एक कॉम्बिनेशन कहा गया है शास्त्रों में। 4-10 की स्थिति होगी शनि और बृहस्पति में। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की आयरन लेडी कही गई हैं, पूरी दुनिया जानती थी, पूरे विश्व में उनका नाम हुआ। 108 निर्गुट देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है उन्होंने और भारत में कई कई अच्छी योजनाएं चलाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, मतलब बोल्ड फैसले लेने के लिए जानी जाती रही हैं। लोग इस बात का अर्थ इस बात से ना लगाएं कि कोई किस पार्टी का नेता है, कोई किसी का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग और वृषभ राशि में बृहस्पति एकादश भाव में मिलता है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है और जो बेसिक नॉलेज भी रखते हैं, वो गूगल से चेक करके उनकी कुंडली को निकाल कर देख सकते हैं। तो वृषभ राशि स्थिर राशि है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि ये स्थिर राशि कही गई है। अब स्थिर राशि में जब परिवर्तन होता है तो उस वर्ष महापुरुषों के जन्म होंगे। आपके यहां जो बालक का जन्म होगा वो महापुरुषों की श्रेणी में आएगा अगला एक वर्ष। इसी प्रकार के ग्रहों से संयुक्त रहेगा क्योंकि खगोलीय मंडल में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, खास तौर से इन तीन ग्रहों का। राहु मीन राशि से हटने वाला नहीं है पूरे वर्ष, अगले एक वर्ष तक। अगले एक वर्ष तक शनि मूल त्रिकोण राशि में रहेगा। वक्री मार्गी अस्त होना ये ग्रहों का स्वभाव है, प्रभाव है। और बृहस्पति का वृषभ राशि में होना ये इस बात का संकेत देता है, जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में चर्चा उल्लेख किया है इस बात का, कि वृषभ राशि स्थिर राशि है और इस पर जब बृहस्पति आता है, इन चारों राशियों पर, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि पर, तब तब भारत के 4 तीर्थों में हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन एवं नासिक में अर्ध कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि ये स्थिर राशि में अमृत तत्व को प्राप्त करता है। वृषभ राशि पर तो बृहस्पति रहेगा ही, लेकिन इस माह 13 अप्रैल से 17 दिन लगातार, यानी कि 30 अप्रैल तक सूर्य और बृहस्पति की युति होने के कारण ऐसी कंडीशन में उस राशि के साथ सूर्य भी होगा। आप देखिए, 1 मई को जब बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे उसका संयोग सूर्य के साथ होगा। कब होगा? 14 मई के बाद। 14 मई से पहले सूर्य
बृहस्पति के साथ संयोग करेंगे मेष राशि में और फिर वृषभ राशि में आते ही सूर्य का संयोग, तो बृहस्पति अस्त होगा आते ही। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, लेकिन वृषभ राशि का फल, अस्त होना अलग विषय है, लाभ देना अलग विषय है, और वृषभ राशि में आकर के क्या फल देता है, आपको देगा या नहीं वो बात अलग है, लेकिन देता क्या है, लक्षण क्या है, प्रभाव क्या है, स्वभाव क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या है, एक तो शुक्र की राशि में होगा, दूसरी बात सूर्य के साथ होगा कुछ समय के लिए, अर्थात एक माह के लिए, 30 दिन, 30 अंश का सूर्य वो बृहस्पति के साथ होगा। ऐसी कंडीशन में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय मूल विषय यह है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ष तक जिनकी ये राशियां हैं, कौन कौन सी, जैसे कि वृषभ राशि, मेष राशि, कर्क, सबसे अधिक लाभ कर्क और मीन को देगा, उसके बाद वृश्चिक को तो देगा ही देगा पूरे वर्ष। ये 3 राशि हैं, कर्काली मीने, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको ही लाभ देगा, क्योंकि मैंने जैसे उल्लेख पहले किया है कि सृष्टि के अंदर ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, अभी खराब समय चल रहा तो कुछ समय के बाद अच्छा भी आएगा, हर धूप के बाद एक छांव आती है और छांव के बाद धूप आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, और आप देखेंगे कि इस बृहस्पति का प्रभाव इतने दिन से शनि की ढैया या सारे साथी का जो प्रकोप झेल रही राशियां हैं उनको अमृत तत्व रूपी बृहस्पति का जब लाभ मिलेगा तो वो सुखद अनुभव होंगे आपको, तीनों राशियों को। लेकिन अब हम मेष राशि की बात से क्रम को शुरू करते हैं, इनके धन स्थान में ये युति होगी और ये इफेक्टिव होगी विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई, 1 मई से बृहस्पति आ जाएगा, वो बात अलग है कि 13 मई के बाद, 14 मई के बाद सूर्य के साथ उनकी युति होगी, ये अलग फल है। अब मेष के लिए शुभ, वृषभ के लिए अति उत्तम, और मिथुन के लिए दान धर्म खर्च यात्राएं तथा तीर्थ यात्राएं मांगलिक कार्य होते रहेंगे, नुकसान इनको भी नहीं होगा। सूर्य के कारण द्वादश भाव में सूर्य होगा मई जून में, वो अलग इफेक्ट देगा, यहां दोषारोपण इस बात का नहीं कर सकते हम कि बृहस्पति से मिथुन राशि को कष्ट होगा, लेकिन कर्क राशि के एकादश भाव में जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये अद्वितीय असाधारण उपलब्धि देने वाला होगा। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, क्योंकि कर्क राशि का भाग्य स्थान नवम भाव है और उस नवम भाव से आगे बढ़िए दशम और एकादश, यानी कि एकादश भाव में बृहस्पति का होना कर्क के लिए संजीवनी से कम नहीं होगा, और उसकी दृष्टि सीधे सीधे संतान भाव पर होगी, तो संतति प्राप्ति का योग बनाता है। ऐसे ही संतति प्राप्ति के योग वृश्चिक और मीन और मकर राशि के लिए भी बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति का आगमन होगा स्थिर राशि में। आप देखिए सन 1988 में, सन 1917 में, 17 से 12 12 जोड़ते जाइए, 1929, इसके बाद फिर 12 जोड़िए आप, 1941, फिर 12 जोड़ो, 1953, फिर 12 जोड़ो, 53 और 12 65, 65 और 12, ये एक गणित मोटा मोटा आप लगाते रहिए, 12 12 जोड़ते जोड़ते, इस प्रकार 88 में आकर के 87 88 में ये
वृषभ राशि में होगा, फिर 12 वर्ष जोड़िए, फिर 2000 में आएगा वृषभ राशि में। इस तरह से 12 वर्ष का एक ये जो अनुमान है, अब आकर के ये अंक यहां निर्धारित हो जाता है। इसके उपरांत हम आपको बताएंगे मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी व्यापार हर प्रकार से चारों तरफ से सुख इसलिए मिलेगा क्योंकि सिंह राशि भी स्थिर राशि है, और कन्या के लिए इसलिए सुखदायक होगा क्योंकि इनके भाग्य स्थान में आएगा। एक बृहस्पति का समीकरण जब बदलता है तो तीन राशियों को इफेक्ट करता है, जिस पर बैठा हुआ है, जिसको देख रहा है, और पंचम और नवम चार जगह को इफेक्ट करता है। तुला के लिए अष्टम में होगा तो धन स्थान की वृद्धि करता है, धन कुटुंब वाणी, यानी कि जहां 8 का अंक होगा तुला का, सेकंड हाउस धन स्थान, उसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा। धनु के लिए छठे भाव में बृहस्पति आने से, क्योंकि धनु का ही स्वामी है ये, और छठे भाव में आया, रोग कारक तो होगा लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तो आपके सुख में बाधा तो डालता है लेकिन द्वादश भाव में भी दृष्टि डालता है। आपको धर्म कर्म तीर्थाटन मांगलिक कार्य शुभ कार्यों में सम्मिलित करा देता है। मकर के लिए पंचम भाव में आएगा तो शुभ सूचना, सुखद स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लाइफ में अच्छा, और आप ये देखेंगे मकर राशि के भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी क्योंकि वहां पर कन्या राशि है, आपके लाभ स्थान पर होगी जो कि वृश्चिक राशि है। अब कुंभ के लिए चतुर्थ भाव में आने से कुंभ स्थिर राशि हुई और स्थिर में बैठ करके और स्थिर राशि को ही देख रहा है। यात्राओं के जैसे हम मुहूर्त देखते हैं, चर राशि में बैठकर चर राशि का स्वामी चर राशि को देखता है तो यात्रा के योग बनते हैं, वो यात्रा प्रशस्त होती है। खैर, तो यहां क्या हुआ, स्थिर लगन का, स्थिर लगन है कुंभ, स्थिर राशि में बृहस्पति स्थिर राशि को देखता है वृश्चिक को। वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज कुंभ राशि में लगन में बैठा हुआ स्थिर राशि में शश योग बनाकर शनि भी वहीं बैठा है। अब आया मीन राशि का, क्योंकि मीन राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति। अमृत तुल्य अमृत तत्व बखेरने वाला, बरसाने वाला, वर्षा करने वाला भाग्य स्थान को बृहस्पति अपने मित्र भाव से देखेगा, और वो आपका जो भाग्य स्थान है मीन राशि का वो स्थिर राशि है, स्थिर आपके भाग्य को भी स्थिर बनाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बृहस्पति का आप सब के लिए जो क्रम है वो मैंने बताया, लेकिन वृषभ राशि पर इस समय वर्तमान समय में चंद्र मंगल राहु, चंद्र मंगल राहु की जो स्थिति चल रही है, या बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, इन दशाओं के अलावा और दशा नहीं चल रही, जिनकी शनि की महादशा चल रही उनके लिए बहुत ऊंचा राजयोग बन रहा है। जिनके लिए, जिनके लिए बुध की महादशा उनके लिए भी राजयोग, जिनकी शनि की महादशा बुध की महादशा मान सम्मान ये सारे के सारे सुखदायक रहेंगे, क्योंकि कृतिका रोहिणी और मृगशिरा इन तीनों पर परिभ्रमण होगा बृहस्पति का क्रम से, और सबसे पहले कृतिका नक्षत्र है, कृतिका पर इसका शुभ प्रभाव होगा, फिर भर कृतिका रोहिणी, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है तो गुरु जब उसके ऊपर से परिभ्रमण करता है उसका एक सर्टेन लिमिट है, इतने दिन इतने माह तक इस राशि पर संचरण करने के लिए बृहस्पति आएंगे, इनकी टाइम लिमिट होती है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है सेनापति के समान फल देता है,
और ये जो क्रम है ये वृषभ राशि के लिए नक्षत्रों के अनुसार मैंने आपको बताया है। तो आने वाला जो बृहस्पति है इसकी चुनौतियां खुद के लिए जरूर हो सकती हैं, लेकिन राशियों को वरदान देने में बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।